हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी मिडसमर, जो कि एरी एस्टर की सेकंड मूवी है। इनकी फर्स्ट मूवी हेरिडिटरी थी, जिसे मैंने दोबारा भी रिसेंटली देखा था और उसका रिव्यू भी बनाया था। और इनकी पहली मूवी की तरह ही इसमें भी दो लेयर्स आपको मिलेंगी। जो बाहरी लेयर है, जो बस आपको दिख रही है, वो है कल्ट प्रैक्टिसेस की, पेगन प्रैक्टिसेस की, जिसमें अजीबो गरीब लोग हैं जो बहुत ही वियर्ड सी चीज़ें कर रहे हैं, जो फेंट हार्टेड को तो टू द कोर डरा देगा, लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। अगर आप सेकेंड लेयर में, यानी जो डीपर लेयर है, वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वही इमोशंस की बात हो रही है, कि जब आप अपने ग्रीफ को, ट्रॉमा को सही से हैंडल नहीं करते हैं, या फिर जो आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें कुछ बचा नहीं है, बहुत सूखी सी हो गई है, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है, दूसरा उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, और ब्रेकअप की एज पे वो रिलेशनशिप है, तो कितनी वियर्डनेस फैल जाती है और फिर लोग कितनी सिली चीज़ें करने लगते हैं, या फिर ब्रेकअप के बाद लोग कितनी सिली चीज़ें करते हैं, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। देखिए, मूवी में क्या होता है, एक आर्टिस्टिकली चीज़ों को मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जाती है, चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। हेरिडिटरी में क्या था, मैसेज आउट लाउड एंड क्लियर था, कि वो दिखाना चाहते हैं कि जनरेशन में जो है रन कर रही है एक डिजीज़, डिप्रेशन, और उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बट यहाँ पर क्या है, आर्टिस्टिकली तो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं, जो मैसेज है वो कहीं कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे वो जो मैसेज है वो सिंक्रो में नहीं जा रहा है। ये इस जो मूवी की कमी है। और अगर आप स्लो बर्न मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग गोर बॉडी हॉरर नहीं देखना पसंद करते हैं, कि मुंह टूट रहा है, पिचक रहा है, या फिर पूरी बॉडी खोल दी गई है, उनके लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है, अगर उन्हें डर लगता है तो। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, जो कि मैंने आधा ऑलरेडी बता दिया है, उस मैं आपको बताती हूँ बाकी बचा हुआ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मैंने नहीं बताया, देखिए कैमरा वर्क इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि जो साइकेडेलिक्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, इसमें पेगन प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं, उसको दिखाने के लिए, उस एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए टाइम एंड स्पेस को ऐसा लगता है डिस्टॉर्ट कर रहा है और आप बिल्कुल ट्रिप कर रहे हैं, वो तो फॉर श्योर लगेगा। और ब्यूटी बहुत है यहाँ पर, जो जनरली हॉरर मूवीज़ में डार्क, ग्लूमी और बारिश वाला मौसम दिखाते हैं, यहाँ पर सनी मौसम दिखाया, क्योंकि स्वीडन दिखाया है जहाँ पर बहुत कम टाइम, वो भी मे का मौसम है, तो यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए सनसेट होता है, नाइट होती है, बहुत पूरे टाइम सनराइज़ ही रहता है, मतलब पूरे टाइम धूप रहती, सनी रहता है, तो यहाँ पर उस टाइम में हॉरर चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए, मूवी जो आर्ट को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छी है, लेकिन स्लो नहीं जो पसंद करते हैं उनको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दैट टू कुछ चीज़ें एंड में बिजार हो जाती हैं, जो चीज़ों को तितर बितर कर देती हैं, तो सबके लिए तो ये मूवी नहीं है। लेकिन अगर आप एरी एस्टर का वर्क पसंद करते हैं, मेटाफोरिकली चीज़ें देखना पसंद करते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस मूवी। अगर कहानी की बात करें तो यहाँ पर डैनी और क्रिश्चियन दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, और डैनी की फैमिली में बहुत कुछ बुरा हो गया है, जैसे वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनको एंग्जाइटी अटैक पड़ते हैं, और यहाँ पर क्रिश्चियन जो है उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, उनसे एक तरीके से ब्रेकअप करना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ पिटी उनको टांगे हुए हैं कहें तो। और डैनी को पता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है उन पर, तो ये रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, ब्रेकअप की एज पे है। और उसके बाद ये ना चाहते हुए भी क्रिश्चियन डैनी को अपने साथ स्वीडन ट्रिप पे ले जाते हैं, जहाँ पर उनके तीन और दोस्त जा रहे हैं। फिर क्या कुछ गड़बड़ होता है वहाँ पर, जब ये स्वीडन जाते हैं, वहाँ पर एक कम्युनिटी मिलती है जो पेगन प्रैक्टिसेस करती है, और वहाँ से पूरी जो है रायता फैलना शुरू हो जाता है, सारा बिजारनेस स्टार्ट हो जाती है। दैट्स इट, बाय बाय।